राजपुर जिले से राजेंद्र आश्रम कट्टीवाड़ा से गुम हुई लड़की का शव आज सुबह कुएं में मिला। पुलिस जांच में जुटी, हत्या या आत्महत्या कारण अभी स्पष्ट पता नहीं चला। अलीराजपुर जिले में लगातार हत्याएं व आत्महत्याओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज एक और घटना अलीराजपुर जिले के अध्याय में जुड़ गई है। जिले का एकमात्र विख्यात आश्रम राजेंद्र आश्रम, जिसमें से एक कन्या जो कि वहां अध्ययन के लिए रखी हुई थी, जिसका नाम रौनक माँ भी बताया जा रहा है, साथ ही वहां ग्राम बड़ी पोल की निवासी थी, जो कि कल सुबह 11:30 से आश्रम से गुम हुई थी और आज अचानक उसकी लाश कुएं से बरामद हुई। कुएं में गिरी होने की सूचना आश्रम के लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लड़की की हत्या की गई है या आत्महत्या की है, यहां जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। अलीराजपुर से जिला ब्यूरो चीफ जितेंद्र यादव की खास पूरी बात बताओ। रौनक, उम्र क्या उसकी? 12 साल। क्या हुआ? हमने यह हॉस्टल में रख क्या पढ़ाने के लिए रखी थी, फिर सर का फोन आया कि लड़की 11 बजे से गुम है। फिर हमने पूरा दिन ढूंढा, मिली नहीं। सगा समझने में भी ढूंढा तो नहीं मिली। फिर रात को ये वापस आया 12 बजे ढूंढ ढूंढ। फिर सुबह उनके सोचना थाना पे सोचना देर, और फिर सुबह उनका फोन आया कि कुएं में है सामने से, लड़की के चप्पल भी नहीं मिले, हाथ पीछे मुड़े हुए। आप क्या लग रहा है? चौकीदार ने, मैडम ने, मास्टर ने, सब ने यार ध्यान रखो जो भी किया। इन्होंने भरोसे तम छोड़ के आते बच्चे, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये राजन आश्रम कट्टीवाड़ा का एक बालिका का मामला है जो छठी में पढ़ती थी और कल 11 बजे से स्कूल से गुम हो गई, ये स्कूल वालों का कहना। तो इनके परिवार को बोला कि आपकी लड़की यहाँ हॉस्टल से कहीं चली गई, तो इन लोगों ने पूरे रिश्तेदार में ढूंढा, यह बोल रहे हैं। और उसके बाद रात भर हो गई है, तो दूसरे दिन इनके पास मैसेज आता है कि लड़की सुबह कुएं में मिली गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हॉस्टल के जितने भी स्टाफ के कर्मचारी हैं और जहाँ पर जो लोग संचालन करें, उनकी लापरवाही है। इस प्रकार छोटे बच्चों को वो सुरक्षित वहाँ पर रख नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सोचने और समझने वाली बात है। और मुझे तो लगता है कि इसमें हत्या जैसा मामला भी हो सकता है, जांच का विषय है। तो शासन प्रशासन से और यहाँ कलेक्टर एसपी साहब से मैं मांग करता हूँ कि पीड़ित परिवार को न्याय दे और इसमें एक कमेटी बना के तत्कालिक जांच की जाए, ताकि कौन लापरवाही है, कौन लापरवाही किया गया है, उस पर कार्रवाई हो। ये कल हमारे रात कुछ सूचना मिली थी थाने पर 10 बजे के करीब कि ऐसे ऐसे लड़की गुम हो गई है, वार्डन आए थे बताने के लिए। 11 बजे की सुबह की घटना है, कल के दिनांक की, कि ये लड़की पढ़ने आई थी यहाँ पर। पढ़ने के दौरान बोल के गई कि मैं पेंसिल वगैरह भूल गई हूँ, मैं लेने जा रही हूँ। फिर उसके बाद वो आई नहीं, तो उन्होंने वार्डन ने बताया कि हमने सूचना दी थी वहाँ पर इनके परिजनों को। परिजनों ने भी तलाश किया, फिर रात में परिजन वार्डन आए, उनके वार्डन के कहने पर, उनके कहे अनुसार थाने पर जो मृतिका है रौनक पिता गोविंद, उसकी गुमशुदगी कायम की गई, अपराध पंजीबद्ध किया गया, अपराध क्रमांक 166/23 धारा 363 के अंतर्गत। फिर रात में ही पुलिस द्वारा सर्चिंग की गई, पता किया गया कि कहीं कुछ ऐसी गुमशुदगी कोई लड़की तो नहीं, जानकारी नहीं मिली। फिर सुबह सूचना मिली कि राजेंद्र आश्रम के कुएं में डेड बॉडी मिली हुई है। क्या लग रहा है आपको? प्रथम दृष्टया तो पूछा गया है तो, और उनके जो वहाँ पढ़ रहे थे, थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में उस पर लोड ऐसा कुछ था कि वो जो अपने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे वो नहीं कर पा रही थी, तो पढ़ाई में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था उसका, ये जानकारी अभी तक आई है। और कुएं में डूबने से उसकी, पानी में डूबने से मौत हुई। भाई आज उनकी जवाबदारी है, ये क्या है ना का ही नहीं, वो तो अपनी जवाबदारी बनती है कि अपने लड़की के साथ क्या घटना घटी, वो तो अधिकारी से पूछना पड़ेगा ना, वहाँ जो स्टाफ वाला भी पूछना पड़ेगा भाई, वही बताएंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।